सत श्रीकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब पंजाबी अते पंजाबी अते नाल जुड़ियां खास खबरां। सब तो पहला सीधा रुख किसानी अंदोलन के वल करांगे। किसान जथेबंदियों का संघर्ष बादस्तूर जारी है। जिस तरह पिछले तकरीबन ढाई महीनों तो संघर्ष के विच किसान डटे हुए ने, उस तरह हुण भी किसान डटे हुए ने। किसानों के वलों ऐलान किया गया सी कि 14 फरवरी नूं जिस दिन पुलवामा की घटना वापरी सी, उस दिन सारे ही पुलवामा शहीदां नूं याद करदिआं कैंडल मार्च कढ़िया जाएगा, जिस दीआं तस्वीरां सिंघू बॉर्डर के समेत पंजाब के वख-वख हिस्सों के विचों सामने आईआं ने। पहला सिंघू बॉर्डर दीआं तस्वीरां विखाउने आ, जिथे सिंघू बॉर्डर के उत्ते स्टेज के उत्ते ही मोमबत्तियां फड़ के अते थले बैठे किसान भी, उन्हां दे वल्लों भी मोमबत्तियां फड़ के पुलवामा के शहीदां नूं याद किया गया है। इस मौके के उत्ते पुलवामा के शहीदों को याद करदिया उन्होंने श्रद्धांजलि भेट की गई है, नाल ही वक्खो वक्खरे तरह के भाषण भी इस मौके के उत्ते सुनने को मिले ने। दस दी कि वड्डे दिग्गज किसान आगू इस मौके के उत्ते स्टेज के उत्ते नजर आए ने, जिन्होंने पुलवामा शहीदों को याद करन दे नाल नाल सरकार नूं भी खेती कानून वापस करन दी अपील की है। उधर तस्वीरां पंजाब के कुछ हिस्सों दीआं भी विखावांगे, जिथे रूपनगर के विच भी कैंडल मार्च कढ़िया गया है अते पुलवामा शहीदों को याद किया गया। किसान जथेबंदियों के समेत होर जथेबंदियों ने मिल के इस कैंडल मार्च को शुरू किया सी, जो कि पूरे शहर के विचों होके गुजरे। अज जी जिहड़ा जो संयुक्त किसान मोर्चे वालों सुनेहा सीगा, उहदे वालों शहीदों की जिहड़े हैगे पुलवामा के शहीद 40 उन्हां दी याद विच ते भगत सिंह उन्हां दी याद दे विच कैंडल मार्च किया जा रहा, जिहदे वास्ते नौजवान आए आ अज ते किसान जथेबंदियां भी पहुँच रही ने। असीं उन्हां दी याद विच मार्च कढ रहे, कैंडल मार्च कढ रहे हैं। केंद्र सरकार मन्ने ना मन्ने जिहड़े साडे बार्डर ते शहीद होए आ, असीं उन्हां दे संबंध विच अज कैंडल मार्च कढे आए। केंद्र सरकार नूं तां हुण मनना ही पैणा, मन के जाऊगी उह। साडी किन्नी दुखदाई घटना है कि साडा मजदूर जिमीदार इन्ने मर गए, 250 दे करीब हो चले, इन्हां पर एक भी बयान मोदी अमित शाह ने किसी ने नहीं दिता। असी इन्हां दा विरोध करदे आ ते शहीदां दे नाम पर असी अज ये जिहड़ा मार्च है दीवे जगा के कर रहे हैं। असी यही कहना चाहते कि असी सरकार नूं दिखाउणा चाहते हैं कि जो बार्डर से शहीद होंदे है वह किसानां दे ही पुत्र है, और असी शहीदां नूं अज करने वास्ते श्रद्धांजलि वास्ते अज इत्थे कैंडल मार्च कर रहा है। ये जथेबंदियों का जो हुक्म सीगा कि आपां ने हरेक शहर में ये करना, उसके असं फुल चढ़ाऊँ अपने जो किसान शहीद हुए थे पुलवामा में, उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए। उधर पंजाब दे विच बीती शाम आखिरकार नगर निगम और नगर पंचायतों दीआं चोणां पूरियां होईआं ने। कल वोटिंग हुई, वोटिंग तो बाद वक्खो वक्खरे सियासी बयान भी सामने आए ने। वोटिंग प्रक्रिया के दौरान कई जगावां तो झड़प दीआं तस्वीरां सामने आईआं सी, अते इन्हां तस्वीरां के आधार के उत्ते ही विरोधी धिरां दे वल्लों सत्ता धिर नूं घेरिया गया, जिस दे उत्ते आम आदमी पार्टी अते अकाली दल दे वल्लों कांग्रेस नूं घेरदिआं कहा गया कि उन्हां दे वल्लों सरकारी मशीनरी की दुरवरतों हुई है। उधर दूजे पासे सत्ता धिर दे वल्लों भी इन्हां सारियां गल्लां दा जवाब दिता गया। पहला आम आदमी पार्टी दे दिल्ली तों विधायक अते पंजाब दे विचों प्रभारी लगाए गए जरनैल सिंह दा की कुछ कहना, उह सुणदिआं ते नाल ही हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब दे विच जो कल घटनावां वापरियां ने पोलिंग के दौरान उसनू लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अस्तीफे की मांग की है, वह भी सुनते हैं। कांग्रेस सरकार की शह विच डेमोक्रेसी का जो गला घोटिया जा रहा है, इस तो ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होना चाहिए। मैं लगता है इलेक्शन का सिस्टम बंद करके सीधा स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे देनी चाहिए भी तुम अपने काउंसलर नोमीनेट ही कर लो, कि जिथे तुम्हें लगता भी सोलिड उम्मीदवार खड़ा होने लगा उत्थे तुसीं उहदे परचे ही नहीं दाखिल होने देंगे। परचे दाखिल कराने जाए तो वो परचे पाड़ देंगे, साड़ देंगे, किडनैप तक कर लिता जाता उम्मीदवार को। इस तो ज़्यादा डेमोक्रेसी का गला किस तरीके घोटिया जा सकता है। इस मामले में जिथे पंजाब की कांग्रेस सरकार की हार वो पहला तो मन बैठे से उन्होंने वेख के सारा कुरीतियां की गई, इस हफ्ते कांग्रेस लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर देश में खुला ऐलान कर देना चाहिए सेंटर से बीजेपी वालों तो पंजाब कांग्रेस वालों कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, कंप्लेंट हूँ पहली बार नहीं करावे, इस तो पहला भी बहुत बारी करा चुके हैं, पर डेमोक्रेसी सिर्फ इस देश में एक गलत फहमी बन के रह गई है, जिदे चो जनता का इम्तिहान लेना इन्हों पार्टियों को बंद करना चाहिए। जे जनता अपनी आई तो आ गई तो यह कितने दिन लेंगे। कैप्टन साहब तुरंत नैतिक जिम्मेवारी लेंदे हुए, तुरंत जो मॉरल जिम्मेवारी लेंदे हुए, तुरंत जो रिजाइन देना चाहिए, अस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अपनी ड्यूटी निभाने असफल रहे नेगे। और दूजे पासे पंजाब का इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बनया बैठा रहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार असी दो बार मंग करके आए सी,
आम आदमी पार्टी दो बार मंग की सी कि पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्सिज लाइया जा जाके जिहड़ियां इलैक्शन ने वो साफ सुथरिया हो सकती ने, पर लेकिन पंजाब का इलैक्शन कमीशन भी उस तरह काम करता रहा जिवें वो कांग्रेस पार्टी का एजेंट हो, जिवें वो कैप्टन साहब का पीए हो, जिवें वो कांग्रेस पार्टी का लीडर हो। सो अज सारिया हद्दां बन्ने पार करके सो कैप्टन साहब को तुरंत जिहड़ा है अपनी पदवी तो अस्तीफा देना चाहिए गा, नहीं 2022 दे विच जदों सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी उन्हां अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अज कांग्रसियों का साथ दिता गा, जिन्होंने अपनी अज जिहड़ी ड्यूटी निभाउण की बजाए अज अपनी जिहड़ी संविधानिक ड्यूटी निभाउण की बजाए अज मैं समझदा गुंडियां का साथ दिता गा, जदों 2022 दे विच आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी तो सारे सबक सिखाया जाऊगा, सारे के खिलाफ कानूनी जिहड़ी कार्रवाई आम आदमी पार्टी करेगी। मैं अपने मत का दान बदलवी राजनीति लिए कर रही हूँ तो पूरे पंजाब के लोगों को अपील है भी अज तुसी वध तों वध लोग वोट पाउण निकलो ताकि आपां जिहड़ा इतिहास दे विच आपां जो नहीं कर सके आपां राजनीति बदल के एक बार और सारे सच्चे सुचे राजनीतिक लोगों का साथ दे के पंजाब दे भविख की तरक्की। देखो जिस तरह हुई है अज 9:30 बजे तक उत्थे 19 नंबर वार्ड की मशीन ही नहीं चालू हुई, डेट की टैक्निकल प्रॉब्लम करके हर तरह ना अफरा तफरी जी का माहौल बनया होया, इस नू लैके मैं जरूर चिंता दे विच। इलेक्शन कमीशन नू या पार्टी दे जिहड़े उच्च अधिकारी हैगे ने उच्च अहुदेदार हैगे ने उन्हां नू जानकारी देंगे? बिल्कुल दित्ती हुई है, SDM साहब नू खुद मैं मैसेज भेज रही हूँ, मैं हर चीज़ का जवाब मैसेज लै रही हूँ, उपर पार्टी नू भी टाइम टू टाइम इनफॉर्मेशन दे रही हूँ सारी। पर मैनू लोगों अगे अपील है भी ये चोणा अपनिया सारिया दी आसानिया चोणा आपां सारे जने इक्को ही अपील कर रहे हैं भी शांतिपूर्ण पूर्वक अज चोणा नू निपरे चाड़िए। उधर विरोधियों का जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कांग्रेस के विधायक राजकुमार वीरका ने दिता है। राजकुमार वीरका का कहना है कि पूरे पंजाब दे विच कुछ क जगावां नू छड्ड के सारिया जगावां दे उत्ते शांति अते अमन दे नाल वोटिंग हुई है, इस करके साड्या प्रशासन अते सरकार शलाघाजोग काम लगातार करती जा रही है। ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਫਲਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10-15 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈ और 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੀਸਫੁੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-15 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਫਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਜੇ 700-800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1-2 ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਫਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਰੁਕ ਕਰੀਏ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਕਲਾਹਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਕਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ 40% ਕਾਗਜ਼ ਉਡਾਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 60% ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਮ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
महंगाई हर जगह, चाहे वह व्हीकल रजिस्ट्रेशन है किस, चाहे वह म्युनिसिपल कमेटी के जेडे टैक्सेस ने, कितने कोई रियायत नहीं दी। बिजली के रेट सब तो महंगे करते हैं, लोगों का जीना मुश्किल करता है, लोगों को सहूलत कोई नहीं। सहूलत जे सी, एससी स्कॉलरशिप बंद, चार साल हो गए शगन के चैक नहीं दिते, पेंशन कटती। देखो लोग बड़े दुखी है कांग्रेस सरकार तो, चार साल से डिवेलपमेंट हुई कोई नहीं, बोझ हर तरीके का महंगाई का पाता गया। सो जिथे जिथे भी इलैक्शन हो रही है, लोगों को भावें डराया धमकाया बड़ा गया, मगर लोग अज वड्डी गिनती च कांग्रेस नू सबक सिखाउण लई मैं समझदा अगे आ रहे हैं, और गुरु कृपा करे जित डेमोक्रेसी दी होवे, जित लोकतंत्र दी। देखो फ्यूचर टेलर तो तुसी हो, मैं की देख कह सकदा। सरकार नू रोड टैक्स जरा है एकदम वधा दित्ता, बिल्कुल ये हर तरीके का बोझ पाया जी, बिजली के रेट वधाते गए, रोड टैक्स पाता गया, डीजल पेट्रोल के टैक्स सब तो वध पंजाब से वसूले जा रहे हैं, 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल से 21 रुपए प्रति लीटर डीजल से, लोगों से तो बोझ ही बोझ। उधर श्री फतेहगढ़ साहिब तो सांसद डॉक्टर अमर सिंह के वालों दावा किया गया है कि इस वोटिंग प्रक्रिया के दरमियान ही असी इस गल का दावा करते हैं कि 2022 कांग्रेस की सरकार फिर तो बहुमत नाल आएगी। बहुत ही वधिया चल रही, मैं अपनी वोट बूथ नंबर 23 च पा के आया, आप देख लो तुसी, और बहुत सोहना चल रहा, बहुत भीड़ है, मेरे ख्याल 25% वोट तो पै गई है, और असी तो बार बार कहने असी स्वीप करनी है, ये इलेक्शन म्यूनसिपल काउंसिल इतनी कांग्रेस की बननी है, बिल्कुल ये सैमीफाइनल हैगा, तुम देखो सैमीफाइनल असी कि बड़े मार्जिन जितते हैं, कांग्रेस की सरकार बनूगी 22 च। अच्छा जी, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बने। उधर पंजाबी एकता पार्टी के प्रधान भुलथ तो विधायक सुखपाल सिंह खैरा गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे ने, गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते पहुंचदिया उन्होंने नवरीत की शहीदी लैके गल की। दस दिए कि नवरीत उही नौजवान है जिसकी 26 जनवरी की घटना के दरमियान मौत हो गई सी, उसे नवरीत को याद किया गया है, उसके लिए शहीद का दर्जा भी मंगया जा रहा है। दस दी कि इस दरमियान सुखपाल सिंह खैरा का कहना सी कि नवरीत जाते जाते सब नू एक नवा राह दे गए ने, इन्होंने इस मौके उत्ते नवरीत दीआं तारीफां भी कीतीआं ते नाल ही सारिआं नू इकट्ठे होकर किसानी संघर्ष की जित लई वड्डे कदम चुकण की भी गल आखी है। अज मैनू खुशी इस गल दी होई आ कि सेज उपरों संयुक्त मोर्चे दे आगू आप अज हाजिर होए, जिहड़ा इंसाफ मार्च रुद्रपुर तो चलिया इत्थे पहुंचिआ, उन्होंने उस नू प्रवान किया, इन्हों अज नवरीत की आत्मा शांति मिली आ कि इस अंदोलन के चलाने वाले उन्होंने शहीद अपनाया वा, 17-18 दिन बाद देर आए दुरुस्त आए, अज कबूलिया गया, अज देश का कौम का एक शहीद नौजवान करार दिता गया। और इस दौरान हरदीप सिंह डिबडाबा असी सब ने मिल के दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खड़काया, 26 फरवरी अगली डेट से दिल्ली पुलिस सरकार न सारी सीसीटीवी फुटेज, सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो तथ्य ने 26 जनवरी दे वो सारे पेश करने अदालत ने कर दिते, वो एक कदम साडा उधर नू भी वध्या। पर मैनू दुख इस गल दा वा कि इस देश की बीजेपी की सरकार जिहड़ा होम मिनिस्टर नित दिन छोटे छोटिया वारदातों के उत्ते इनकुआरिया के हुक्म दिंदे, इन्हां नू न्यायिक जांच के हुक्म उधर देने चाहिए सी। इस बच्चे का चले जाना एक की कहिंदे आ कि वह सानू राह दिखा के गया वा, जिदा हरदीप सिंह डिबडबा ने कहा कि वह एक नौजवानां नू एक चानण मुनियारे की तरह एक राह दिखा के गया, उहदे वास्ते हुण सारे नवरीत ने, आओ आपां सारे रल मिल के इस इंसाफ की लड़ाई नूं अगे भी लैके चलीए, ते उस वाहिगुरू ते परमात्मा दे चरणां च अरदास करिए कि साडा अंदोलन कामयाब होवे, ते साडे पंजाब दे लोक, हरियाणे दे लोक, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान सारे इथों जित हासिल करके अपने घरां नूं जाण। वोट पाउण दा अधिकार हर एक नूं है ते इस अधिकार की वरतों भी हर एक नूं करनी चाहीदी है। इस दरमियान इसे तरह का एक मैसेज दिंदा नजर आया एक लाड़ा, जिसके वल्लों अमृतसर दे विच अपने विआह वाले दिन भी विआह दे लई रवाना होण तों पहलां वोटिंग दे विच आया गया ते वोट पाउण तों बाद ही लाड़ा अपने विआह दे लई रवाना होया। इस लाड़े का कहना सी कि मैं अपनी जिंदगी की नवीं शुरुआत एक चंगे उम्मीदवार नूं चुण के करना चाह रहा, अपना हक चुनना चाहते हैं जी, वोट एक एक कीमती आ, सारे काम जरूरी है, हुण विआह ते भी जाना वह भी जरूरी है, उम्मीदवार वेखो ये सब कुछ होना है, वेखो उम्मीदवार जिहड़े मतलब काम करन, भलाई वास्ते काम करन,
ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਬਲਿਕ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਮਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਛਾਨ ਮਾਨ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਛਾਨ ਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 37 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਕੇ ਪੂਰਵ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਨੀਯ ਏਕੇ ਐਂਟਨੀ ਜੀ ਕਾ ਮਾਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕੋ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਭੂਭਾਗੀਯ ਅਖੰਡਤਾ ਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਔਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਸਰਜ਼ਮੀ ਕੋ ਚੀਨ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੇਂ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕੋ ਚੀਨ ਕੋ ਸਰੰਡਰ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਸੇ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਸੇਨਾ ਕੇ ਸ਼ੌਰਯ ਔਰ ਪਰਾਕਰਮ ਉਸਕੋ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਪਰ? ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਰਜ਼ਮੀ ਕੋ ਚੀਨ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ? ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ। ਉਧਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਦੀਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਪੋਂਗਿਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਗਾਵਾਂ ਰਾਮਦੀਪ ਮਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਰਹਾਂਗੇ ਰੋਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਭਗਵਾਂ ਸਿੰਘ ਥਾਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂਗੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਣਾ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।